गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ. टुडे आई एम हियर टू टीच यू संस्कृत एंड द डेट इज 12 फॉर क्लास एट. भाषा सज्जता, जो यानी भाषा सज्जता मीन्स क्या, जो भाषा लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं तो उसको सजाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए. भाषा जब सीखते हैं हम लोग लाइन बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस में कहाँ क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन से कारक लगा, कैसे पता चलेगा कि मैं तुमको दे रही हूँ, मैं तुमको फ्रूट दे रही हूँ, मैंने तुमसे फ्रूट लिया, तो ये से को ये सब जो लगाते हैं तो ये कैसे लगाते हैं, कहाँ पे फिट करना है, तो इसके लिए हमें विभक्ति और कारक के बारे में पता होना चाहिए. कारक एंड विभक्ति. तो यहाँ हमने लिखा है ये रामः, मान लो रामः है और विसर्ग है, तो ये क्या है, प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति है, ये फर्स्ट केस यू कैन से. विभक्ति जो है, ये विभक्ति को आप केस भी बोलते हो, केस. तो ये या तो आप प्रथमा विभक्ति बोलो या फर्स्ट केस बोलो. फर्स्ट केस से यू, आई थिंक यू शुड हैव इजी, आपको इजी होगा. फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवन्थ केस, ऐसे बोल दोगे. और वरना ऐसे अगर संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ऐसे सीखना पड़ेगा. प्रथमा विभक्ति, विभक्ति छोटा सा लिखती हूँ, प्रथमा, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति. तो ये आप यहाँ से यहाँ ऐसे देखिए. अंडरस्टूड? इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो और इजी हो जाता है. फर्स्ट केस, इन सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ, सिक्स्थ केस एंड दिस वन सेवेंथ केस. तो सबका जो चिन्ह क्या है, जो साइन होता है इसका, प्रथम जो फर्स्ट केस है वो तो ने होता है, हिंदी में तो ने बोलते हैं, और ऐसे द्वितीय से यहाँ स्टार्ट होता है. सेकेंड केस में टू द राम, राम को. थर्ड केस में रामेन वर्ड आता है, जैसे विथ, रामेन सह, राम के साथ, साथ अर्थ में या द्वारा, राम के द्वारा. रामाय. फोर्थ केस में मीन्स होता है फॉर के लिए. रामात, इसका भी मतलब से है, लेकिन हिंदी में से बोलते हैं अलगाव के अर्थ में. अगर यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, ऐसे पढ़ेंगे तो इसके साथ पढ़ते हैं कि साथ, सन्निधि के अर्थ में और द्वारा, और यहाँ पर पढ़ते हैं अलगाव के अर्थ में. तो यू फील बेटर दैट यू लर्न विथ एंड फ्रॉम, तो ये क्लियर हो जाएगा. ये तृतीय में विथ और पंचमी में फ्रॉम. एंड सिक्स्थ केस, इन सिक्स्थ केस फॉर के लिए, फॉर मतलब का, के की, उसके, उसका, उसकी, फॉर हिम, फॉर हर. और रावेरी, जहाँ हिंदी में रावेरी वर्ड आता है, तुम्हारा, हमारा, तुम्हारे या तुम, उसका, इस तरह का काके की रारेरी जो आता है वो
फॉर है, और नामे मतलब मेरे पर, ये तो कई बार हमने बताया वृक्षे वृक्ष पर है इस तरह, तो मैं और पर इन और दोनों इसका अर्थ होता है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ लिए ये विभक्ति चिन्ह, द साइन ऑफ विभक्ति, ये हमने बताया साइन ऑफ विभक्ति। सब लोग लिखते जाओ, इसको नोट करते जाओ। टू विद सेकेंड केस से स्टार्ट करो, फर्स्ट केस भी है, सेकेंड केस टू, सेकेंड केस इन, सेकेंड केस टू, थर्ड केस विथ, फोर्थ केस फॉर, इन फिफ्थ केस फ्रॉम, इन सिक्स्थ केस फॉर, इन सेवेंथ केस इन और ऑन। दो साइन समझ आ गई। अब है कि हमने एक वर्ड यहाँ लिख दिया अहम, अहम वर्ड लिखा मैं, तो मैं को इसके साथ जब मिलाएंगे तो अहम राम अस्मि, मैं राम हूँ। यहाँ मैंने ने लिखा है हिंदी में कि राम पुस्तकम ददाति, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन दे रहा है पुस्तक, तो राम दे रहा है, तो राम ने पुस्तक दिया, राम पुस्तकम ददाति, राम ने पुस्तक दिया। फिर क्या हो जाता है, रामम, अहम रामम, राम को क्या दिया, अहम रामम पुस्तकम ददामी, हमने दिया राम को, तो हमने क्या किया राम को दिया। यहाँ पे रामम टू द राम, आई गिव टू राम अ बुक, आई गिव इन टू राम अ बुक, मैंने दिया, अहम रामम पुस्तकम ददामी, मैंने दिया। हम के साथ ये रामम वर्ड आया कब, जब हमने उनको दिया या उनके लिए कुछ किया। और यहाँ रामे, अहम रामेन मतलब विथ रामेन सह, राम विथ, आई गो विथ राम टू स्कूल, आई गो टू स्कूल विथ राम, तो रामेन सह, अहम रामेन सह विद्यालय गच्छामि, अहम रामेन सह विद्यालय गच्छामि, आई गो टू स्कूल विथ राम, अहम रामेन सह विद्यालय गच्छामि। ये क्या हो गया थर्ड केस में आ गया कि विथ। फिर फोर्थ केस में क्या आ गया, फॉर, उसका जो साइन है फोर्थ केस में रामाय, उसका साइन है फॉर, तो अहम रामाय, अहम रामाय राम के लिए फल लाई हूँ, आई ब्रिंग फ्रूट फॉर राम, अहम रामाय कृते जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं, रामाय हेतु या रामाय कृते फलम आनयिष्यामि मतलब लाऊंगी, आई विल ब्रिंग द फ्रूट फॉर राम, मैं राम के लिए फल लाऊंगी, आई विल ब्रिंग द फ्रूट फ्रॉम राम, मैं राम के लिए फल लाऊंगी, अहम रामाय कृते फलम आनयिष्यामि। तो यहाँ फॉर हो गया, फोर्थ केस लग गया, जब होगा ट्रांसलेट आएगा ट्रांसलेशन कि राम के लिए आई विल ब्रिंग फ्रूट फॉर राम, तो वहाँ पे आप सोचोगे कि आई विल ब्रिंग फॉर अहम आनामि, अहम गच्छामि, ऐसे लिखोगे तो अहम रामेन, अहम रामाय गच्छामि, अहम रामा गच्छामि, अहम रामा फलम आनयिष्यामि, अहम रामेन फलम आनयिष्यामि, तो तुरंत यहाँ पे सोच लेना है। फॉर के लिए कौन है, फोर्थ केस है, इन फोर्थ केस रामाय वर्ड आता है, तो अहम रामाय फलम आनयिष्यामि। फिर है अगर हम राम से अलग हो रहे हैं, मैं राम से दूर जा रही हूँ, तो अहम रामात दूरी भवामि, मैं राम से दूर हो रही हूँ, अहम रामात दूरी भवामि, मैं राम से दूर हो रही हूँ, आई गो अवे फ्रॉम राम। तो यहाँ राम फिफ्थ केस में फ्रॉम आ गया। फिर रामस्य का की, तो इदम पुस्तकम रामस्य अस्ति, इदम पुस्तकम रामस्य अस्ति, तो ये राम का ये बुक है, दिस बुक इज
न्यू फॉर राम, ये राम के लिए बुक है। दिस बुक इज फॉर राम, ये राम के लिए बुक है। राम में इन और में और पर, राम में मेरी बहुत आई फेथ इन राम, मैं राम पे विश्वास करती हूँ। राम भगवान है तो मैं राम पे विश्वास करती हूँ। आई एम फेथ इन राम, आई फेथ इन राम, ऐसे कुछ भी कि मेरा राम पे विश्वास है, राम पर विश्वास है और राम में विश्वास है। में और पर दोनों मीनिंग है। जैसे वृक्ष पर एक पक्षी है तो देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, और इन भी हो जाता है कि देयर इज अ सेंट अंडर द ट्री, कोई संत है जो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से तो सब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले शब्द रूप याद करना। एक राम का राम वर्ड जो है, ये राम इज अकारांत पुल्लिंग वर्ड, ये अ है, इसमें अकार है राम में, राम प्लस अ, तो ये राम बन गया, ऐसे राम बन गया, अकारांत हो गया, और ये पुल्लिंग वर्ड है। तो ये आप एक वर्ड याद कर लोगे तो इसका शब्द रूप याद कर लोगे इन सेवन केस में। तो ये ऐसा जो अकारांत तो कोई भी वर्ड आएगा, नर है, बालक है, नृप है, जो भी है अकारांत पुल्लिंग वर्ड, सारे उस पर आप फिट कर लोगे। जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेशु। तो ये जो मैं सेकेंड और थर्ड बोल रही हूँ वो क्या है, वो है अगर दो राम की बात हो रही है तब है, और दो से ज्यादा राम की बात हो रही है तब है। सो दिस टाइप ऑफ कारक विभक्ति फिनिश्ड। अगर बहुत सारे राम है, रामा गच्छन्ति,
अगर तीन चार राम है, लड़के हैं, सभी का नाम रामा है, तो रामा गच्छन्ति, राम के जैसा बालका हो जाएगा, बालका गच्छन्ति। तो बहुत सारे बालक हैं तो बालका गच्छन्ति। अगर दो ही बालक कुछ कर रहे हैं तो बालकौ, बालकौ खेलता, बालकौ दो बालक की बात हो रही है तो बालकौ खेलती खेलता, उसमें भी द्विवचन आ जाएगा। जैसे धातु में भी हम लोग बोलते हैं खेलती, एक राम के लिए बोलते हैं, एक बालक के लिए बोलते हैं, बालक खेलत, बालका खेलती, रामा खेलती, राम इज प्लेइंग एंड बॉय इज प्लेइंग। तो दो बालक अगर खेल रहे हैं तो बालकौ खेलता, उधर भी खेलती खेलता वाला द्विवचन का, वहाँ भी देखेंगे कि क्रिया में द्विवचन में कौन सा वर्ड है, खेलता है, तो बालकों के साथ खेलता जोड़ेंगे और बालकों खेलता बन जाएगा। तो ये शब्द रूप आप लोगों को याद करना है। इसमें प्रथमा में एक एक में मैंने बता दिया, प्रथमा में बताया, प्रथमा विभक्ति, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। तो इसी तरह आपके बुक में होगा कोई भी एक अकारांत का याद करना होगा, रामा का ही है, सी इन योर बुक 46 पेज नंबर, राम वर्ड ही अकारांत दिया, एंडिंग इन अ, अकारांत जिसको बोलते हैं, अ से एंड हुआ, तो रामा रामव रामा इन फर्स्ट केस, प्रथमा द्वितीय लिखा है वैसे ही, तो रामम रामव रामान। अगर राम को है, एक राम को है तो रामम, दो राम है उनकी बात हो रही है तो रामव रामान, अगर रामेन एक राम तो रामा भी, आप ऐसे ये द्वितीय में ये बहुवचन में ऐसे ऐसे रूप लगता जाएगा, राम का, एक राम का, और दो राम का तो रामयो, तो रामेशु, राम बहुत सारे राम में ऐसी हो बातें हैं, तो रामेशु श्रद्धा संति, तो रामो में श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, जितने भी राम हैं सभी लोग श्रद्धावान हैं। तो ऐसे इस तरह से ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को भाषा सज्जता बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी क्या है, एक एक सेंटेंस देख लो, जैसे पहला में राम, तो राम राम गच्छति, राम गच्छति, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, फिर रामौ, अगर रामौ राम रामौ रामा वाला देखते हैं तो रामौ गच्छत, गच्छत एंड रामः, गच्छन्ति, रामा गच्छन्ति। यहाँ भी हमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल का देखना पड़ेगा, कि ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ये सेकेंड, ये है सेकेंड पर्सन है तो उसका भी सेकेंड पर्सन का द्विवचन डालना है, और ये है थर्ड में है, प्लूरल में है रामा, बहुत सारे राम, तो यहाँ भी प्लूरल में गच्छन्ति डालना है। अब क्रिया की बात करते हैं कि राम जा रहा है और बालक ले लो, बालक से अच्छा दूसरा रामम, सेकेंड केस में क्या आता है, रामम, राम को, तो इसमें क्या सेंटेंस बनाएंगे, अहम अहम रामम कंदुकम, कंदुकम ददामि, कंदुकम ददामि, रामम रामे, थर्ड केस में क्या आया, रामे,
सीता रामेर सह वनम गतवती गतवती मतलब राम में विश्वास करती है, राम पर विश्वास करती है। तो इस तरह से सब केस हो गए, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस एंड सेवेंथ केस। सो ऑल आर क्लियर, this is, I think this is clear for you, any doubt not? तो इस तरह से ये भाषा सज्जता में जो है ये राम के हो गए, ये पुलिंग के हो गए। इसी तरह एक है आकारांत बाला सद्या दिया, बाला लता सीता गीता जो भी है सब एक तरह से चलेगा, तो उसको एक हर्ट बाय हर्ट कर लेना है। और थर्ड वन इज अहम आवाम वयम, जैसे अहम आवाम वयम अस्मद का है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मम आवयो अस्माकम, ये तीन जो है ये ज्यादा यूज होता है, अहम मैं आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम हमाम हमको, माम मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को, मम हमारा, मम नाम हमारा नाम, आवयो हम दोनों का, और अस्माकम हम सभी का, हम दोनों का, तुम युवाम युवम तुम दोनों और तुम सब, त्वाम युवाम युष्मान तुमको तुम दोनों को और तुम सबको, फिर षष्ठी में तुम्हारा, तब युवयो युष्माकम तुम्हारा तुम दोनों का तुम सबका, तब युवयो युष्माकम, और ऐसे ही प्लूरल और ये लगा देना है कि जो उसमें बैठता हो, गच्छति गच्छत गच्छन्ति टाइप
गच्छति है इसमें तो वो लगाना है, तो अहम के साथ क्या होगा, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, अहम गच्छामि आवाम गच्छावः और वयम गच्छामः, इस तरह बैठाना होगा। और इसमें भी ऐसे ही त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः और यूयम गच्छतः बिना विसर्ग वाला। तो ऐसे ये भाषा सज्जता जो है, भाषा बनाना, अब लैंग्वेज बनाना, वो सब वाक्य बनाना, सेंटेंस का आप लोगों ने आज सीख लिया है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। बस करना क्या है, एक शब्द रूप याद करना है और वो फॉर्म याद करना है कि किसमें क्या है। प्रश्न इसमें टू रहो और स्वस्थ रहो।